नमस्कार, स्वागत है आपका खबर 24 न्यूज चैनल में। मैं स्वप्निल जैन। आइए शुरुआत करते हैं आज की दोपहर की खबरों के साथ। अकलेरा क्षेत्र के प्रगतिशील किसान व पर्यावरण प्रेमी हंसराज मीणा ने शनिवार को पर्यावरण दिवस के मौके पर छायादार वृक्ष लगाकर पर्यावरण बचाने का संदेश दिया। किसान हंसराज मीणा बिंदाईगी जैविक कृषि फार्म के मालिक हैं। पिछले 12 सालों से वो पेड़ पौधे लगा रहे हैं। अपने बगीचे में तकरीबन 4500 अलग अलग प्रजातियों के वृक्ष लगाकर एक मिसाल कायम की। इस नेक कार्य के लिए उन्हें कई बार सम्मान भी मिल चुका है। अब वो पर्यावरण के प्रति पूरी तरह से जागरूक हैं। वो दूसरे किसानों को भी लगातार जागरूक करते रहते हैं। पर्यावरण प्रेमी हंसराज मीणा पौधे लगाने का कोई भी अवसर नहीं चूकते हैं। जब भी मौका मिलता है, चाहे वो किसी का जन्मदिन हो या किसी का कोई कार्यक्रम, हर अवसर पर पौधे लगाकर पर्यावरण बचाने का संदेश देते हैं। अपने बगीचे में ही नहीं अपितु कई सार्वजनिक स्थानों पर सैकड़ों पौधे लगाकर उनको वृक्ष उन्होंने बनाया है। हर वर्ष पर्यावरण दिवस के दिन नए पौधे लगाकर उन पौधों की देखरेख करने की शपथ लेते हैं। पर्यावरण दिवस के मौके पर मैठून सरपंच मान सिंह मीणा ने भी वृक्ष लगाकर पर्यावरण बचाने का संकल्प लिया। राजस्थान सरकार की भवानी मंडी नगर पालिका द्वारा संचालित इंदिरा रसोई योजना अब कोरोना काल में मध्यम परिवारों को भोजन देने का काम कर रही है। लगातार 2 महीने से आशा एक गरीब जनों को ये बन चुकी है। पालिका अध्यक्ष द्वारा भोजन वितरित किया जा रहा है। ऐसे में कच्ची बस्ती की महिलाओं ने ये आरोप लगाया है कि हमें कागज की पुड़िया बनाकर कच्ची रोटियां थमा दी हैं। ऐसे में इंदिरा रसोई को संचालित करने वाले कन्हैया ने बताया कि 2 दिन पहले ही हमें इसका टेंडर मिला है और ये हमारे यहाँ की रोटियाँ नहीं हैं। लगातार राजस्थान सरकार की 8 रुपये की थाली मध्यम गरीब जनों की आशाएँ बनी हुई है और प्रवासियों को मिलती जा रही है। ऐसे में रोजाना 100 से 200 पैकेट खाने के बंट जाते हैं। जब मीडिया के लोग वहां पहुंचे तो पूरी जानकारी समझ में आई। ऐसे में इंदिरा रसोई योजना चलाने वाले को भी समझाइश की। इस पर अब लगातार निरंतर रूप से इंदिरा आवास योजना को भी संचालित किया जा रहा है और उसके बारे में भी जानकारी ली जा रही है। कच्चा खाना आ रहा, वो रोटी पड़ी है, उधर पटक रही। कच्चे खाना, अच्छा कच्चा खाना दे रहे हैं? कब से दे रहे हैं ये? आ जाए हम तो, और खाना लेना आते भगा देते हैं। कौन भगाता है? क्या हो गया भाई? मेरे 2 बच्चे लेने आए थे, अभी कह रहे हैं तुम्हारे 2 बच्चे लेने नहीं आए। यही आधी मेरे 2 बच्चे लेने आए ना, अब पन्नी में, अभी तो पन्नी में दे रहा, पहले कागज में रोटी पैक कर दी। अब किसकी बात है, विश्वास कर रहे हैं? कागज में दी, हम कागज में लेकर आ गए, अब कह रहे हमने पैकिंग पन्नी में करी। आपका नाम बताएं। सबसे पहले मेरा नाम कन्हैयालाल गुजर है और वर्तमान में हमारे पेड़ावा इंदिरा रसोई भी चल रहा है और 2 दिन से हमने इस इंदिरा रसोई भवानी मंडी की जिम्मेदारी हमारे पास आई है। हम 2 दिन से इसका कार्यभार देख रहे हैं और खाना वितरण का काम कर रहे हैं। जैसे आज शिकायत आई है कि महिलाओं को जो खाना मिला उनमें रोटियां कच्ची थी। जी भाई, सब मैं मानता हूँ कि आज का जो है बता रहे हैं, जो भाई जो बता रहे हैं कि खाना हमारे पैकिंग करके जो आया है वो खाना कच्ची है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शुरू स्टार्टिंग की जो रोटी होती है, जैसे तवे पे तो तवा गर्म नहीं होता, तो जैसे वो 1-2-3 रोटी जो कच्ची हो गई होगी वो साइड में निकाल रखी, तो गलती में से उन्होंने कर दी। लेकिन ये जो भाई बता रही है कि हमने रोटी एक कच्ची आई है, लेकिन हम सुबह से अभी तक पन्नी में रोटी पैक करके दे रहे हैं और दाल है, और जो यहाँ पर जो हम खाना वितरण करवाने का काम हमारा नहीं होता है। भाई जो बता रही, जिस लड़की का नाम ले रही है, जिसका भी नाम ले रही है, उसका हमारे पास कोई एंट्री नहीं है, कोई नाम नहीं है। दूसरी बात है, जिसको भी मैं खाना देता हूँ उसके मोबाइल नंबर मेरे पास है, उनका नाम है, और उनसे हस्ताक्षर भी करवाता हूँ मैं। बाकी ये बता रहे हैं कि भाई ये रोटी हमारे पास, और आपको राजकीय कमरुद्दीन सामुदायिक चिकित्सालय स्वास्थ्य केंद्र में 18 से ऊपर वाले लोगों के लिए वैक्सीन नहीं आ रही है। जहां एक तरफ राजस्थान में 1600 से ज़्यादा ब्लैक फंगस के केस अभी एक्टिव हैं, वहीं 18 प्लस उम्र के लोगों को वैक्सीन नहीं मिलने से काफ़ी परेशानियां झेलनी पड़ रही है। कई बार वो ऑनलाइन साइट भी चलाते हैं, लेकिन ऑनलाइन साइट्स भी उन्हें बंद नज़र आ रही हैं। अब ऐसे में सारे युवा मिलकर ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये वैक्सीन क्यों नहीं आ रही है और क्या इन वैक्सीन के मुद्दों पर राज्य सरकार ने अपनी आंखें बंद कर रही है। वैक्सीन नहीं आने का कारण बताए जाने पर चिकित्सा विभाग ने कहा कि जल्द से जल्द 18 प्लस की वैक्सीन भी लाई जाएगी, लेकिन राज्य सरकार ऐसे में हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ सकती, ये कहना है यहाँ के युवाओं का। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व राजस्थान की पूर्व CM वसुंधरा राजे जी की प्रेरणा से समर्थकों ने वसुंधरा जन रसोई अभियान के 7वें दिन आज भवानी मंडी शहर के भाजपा पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने वसुंधरा जन रसोई के माध्यम से अलग अलग बस्तियों में झुग्गी झोपड़ी वाले परिवारों को भोजन के पैकेट वितरित किए।
नगर पालिका भवानी मंडी में आज दिनांक 6 जून 2021 को प्रातः 7 बजे से 9:30 बजे तक संयुक्त प्रवर्तक दल द्वारा फल सब्जी थोक मंडी व शहर के मुख्य बाजारों में कोरोना गाइडलाइन की पालना करवाने हेतु लोगों को पाबंद किया गया व सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने वाले 5 व्यक्तियों के कुल 500 रुपये के चालान किए गए। संयुक्त प्रवर्तक दल के अधिशासी अधिकारी शंभुलाल मीणा, पुलिस स्टाफ व पालिका कर्मी इस दौरान मौजूद रहे। भवानी मंडी। अखिल भारतीय साहित्य परिषद भवानी मंडी द्वारा शनिवार को विश्व पर्यावरण दिवस पर कई कार्यक्रम ऑनलाइन आयोजित किए गए। कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर राजेश कुमार शर्मा पुरोहित एवं मीडिया प्रभारी भंवर सिंह कुशवाहा ने बताया कि शनिवार को प्रथम सत्र में प्रार्थना सभा में परिषद के सदस्यों ने ईश वंदना की। प्रथम पूज्य गणेश व माँ सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर पर्यावरण दिवस के कार्यक्रम को शुरू किया। प्रातः 9 बजे से अखिल भारतीय ऑनलाइन वीडियो कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें 18 रचनाकारों ने वीडियो में प्रस्तुति दी जो पर्यावरण जागरूकता व पर्यावरण संरक्षण का संदेश देती। विभिन्न प्रदेशों के रचनाकारों ने कविता, गीत, मुक्तक, छंद, दोहे आदि की शानदार प्रस्तुति दी। पृथ्वी बचाओ चैरिटेबल ट्रस्ट इंडिया के द्वारा भवानी मंडी की साईं गौशाला परिसर में पीपल का पौधा लगाकर विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। इस अवसर पर ट्रस्ट के संरक्षक एवं नगर कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष कालूलाल सालेचा, समाज सेवी एवं गो प्रेमी गणेश सालेचा, समाज सेवी पीरू खान, रस सदस्य प्रहलाद मेघवाल, प्रफुल्ल शर्मा, डूंगर सिंह आदि मौजूद रहे। ट्रस्ट संस्थापक अध्यक्ष पर्यावरण कार्यकर्ता फूलचंद वर्मा ने बताया कि विश्व पर्यावरण दिवस की इस साल की थीम, हर साल विश्व पर्यावरण दिवस के लिए एक थीम रखी जाती है और इस साल की थीम है पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली कई तरह से की जा सकती है, जैसे शहर गाँव को हरा भरा करना, पेड़ लगाना, जगह जगह बगीचों को बनाना, नदियों और समुद्र की सफाई करना। पर्यावरण से ही हम हैं, हर किसी को पर्यावरण के लिए काम करना चाहिए। सुनेल। राजस्थान के झालावाड़ जिले की सबसे बड़ी पंचायत समिति सुनेल में आपदा को अवसर में बदलकर लाखों रुपए का भ्रष्टाचार करने का मामला सामने आया है। कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी को सूबे के अशोक गहलोत सरकार के नौकरशाही ने भ्रष्टाचार का अवसर बना लिया। हम बात कर रहे हैं झालावाड़ जिले की पंचायत समिति सुनेल की, जहां पल्स ऑक्सीमीटर की खरीद में बड़ा घोटाला सामने आया है। मुख्य कार्रवाई जिला परिषद झालावाड़ द्वारा 1 जून को निर्देशों को दरकिनार करते हुए डोर टू डोर कोरोना जांच के लिए पल्स ऑक्सीमीटर की खरीद ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायत समिति स्तर से ना करके विकास अधिकारी पंचायत समिति सुनेल द्वारा अपने निजी स्तर पर 31 मई को खरीद की गई। पंचायत समिति में ऑक्सीमीटर एवं बिल मंगवाकर चतुर्थ श्रेणी के माध्यम से 44 ग्राम पंचायतों में वितरित कर दिए गए। ललित कुमार एवं भाजपा युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष ने भी ये बताया कि ऑनलाइन कीमत इसकी 399 रुपये है, जबकि इसके लिए ग्राम पंचायत ने बिल के अनुसार 866 रुपये चुकाए हैं। विकास अधिकारी ने अपने स्तर पर 44 ग्राम पंचायतों के लिए एक ही विनायक ट्रेडर्स विज्ञान नगर कोटा फर्म से RTPP नियमों की अवहेलना करते हुए ऑक्सीमीटर खरीदे और बिल में दिए गए मोबाइल नंबर पर जब बात की गई तो अलवर निवासी ललित गर्ग के ये मोबाइल नंबर निकले, जिसने बताया कि मेरे नाम से कोई भी फर्म रजिस्टर्ड नहीं है। बिल में दिए गए GST नंबर का अवलोकन करने पर पाया गया कि ललिता देवी विनायक ट्रेडर्स बिंदाई का गेहूँ खेड़ी इकलेरा का निकला, जबकि बिल में पता विज्ञान नगर कोटा का है, जिससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि बिल भी फर्जी है। यह भी स्पष्ट प्रतीत होता है कि विकास अधिकारी हनुमान मीणा द्वारा 44 ग्राम पंचायतों में 440 घटिया ऑक्सीमीटर अधिक दर से खरीद कर लगभग 2 लाख से 2.5 लाख रुपए तक का घोटाला किया गया है। ललित कुमार, पंचायत समिति सदस्य सुनेल, विकास अधिकारी ने अपने पद का दुरुपयोग किया गया। 44 ग्राम पंचायत के लिए एक ही फर्म से ऑक्सीमीटर अधिक दर से खरीद कर 2 से 2.5 लाख का घोटाला किया गया। पंचायत समिति के चतुर्थ कर्मचारी के बस बहुत ही बड़ा भ्रष्टाचार फैलाया जा रहा है। इसमें एक मामला सुनेल पंचायत समिति पिड़ावा के विकास अधिकारी हनुमान जी मीणा द्वारा किया गया है। इसमें पता चला है कि उनके द्वारा खरीदे गए ऑक्सीमीटर एक ही फर्म से खरीदे गए हैं। फर्म में जो बिल बनाया गया है सभी पंचायतों को जो बिल भेजे गए हैं उन बिल में वह बिल भी फर्जी है। बिल पे लिखे मोबाइल नंबर भी फर्जी है। बिल पे जब GST नंबर से पता किया तो यह विनायक ट्रेडर्स बिंतिया गेहूँ खेड़ी इकलेरा का निकला और मोबाइल नंबर से पता किया तो यह ललित गर अलवर निवासी निकला, जो एक मोबाइल की शॉप चलाता है और फ्लिपकार्ट पर इसकी कीमत 399 रुपये है ऑक्सीमीटर की, जबकि
बिल पर यह 866 रुपये दर्शाया गया है, जिससे पता चलता है कि यह भ्रष्टाचार बहुत ही बड़ा किया गया और 2.5 लाख रुपये का इसमें घोटाला किया गया और सीओ साहब के आदेश से एक दिन पहले। उपखंड अधिकारी राजेश डागा ने उपखंड क्षेत्र दिगोद में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आगामी वर्षाकाल में आम जन की भागीदारी बढ़ाने के लिए वन विभाग सुल्तानपुर में वृक्षारोपण करने के साथ ही अपना खेत अपना पेड़ अपना लाभ अभियान के संबंध में कुछ किसान प्रतिनिधियों को विस्तार से जानकारी देकर विचार विमर्श किया, जहाँ मौके पर ही पर्यावरण दिवस के अवसर पर उपखंड अधिकारी दिगोद राजेश डागा द्वारा पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने हेतु अपना खेत अपना पेड़ अपना लाभ अभियान का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर तहसीलदार दिगोद आमोद माथुर, सुल्तानपुर सीआई छुट्टनलाल मीणा, नायब तहसीलदार सुल्तानपुर भरत कुमार यादव आदि लोग मौजूद रहे। इस अभियान के दौरान राजेश डागा ने सभी से ये अपील की कि हर किसान अपने खेत में कम से कम 5 फलदार वृक्ष तो जरूर ही लगाए। विश्व पर्यावरण दिवस पर सुल्तानपुर क्षेत्र में वृक्षारोपण के अभियान को गति देने के लिए वन विभाग द्वारा तैयार की गई नर्सरी का अवलोकन किया गया। साथ ही यहाँ पर किसान संगठन से जुड़े लोगों की एक मीटिंग लेकर के और एक अभियान का आगाज किया गया है, जिससे कि भविष्य में सुल्तानपुर क्षेत्र में हरा भरा बनाने में मदद मिल सके। उस अभियान का नाम दिया गया अपना पेड़ अपना खेत अपना लाभ अभियान। ये एक ऐसा अभियान होगा जिसमें व्यक्तिगत हितों को दृष्टिगत रखते हुए व्यक्ति के निजी खेत में उसको वृक्षारोपण करना है, उसे संकल्प लेना है, उसे एक संकल्प पत्र भराया जाएगा और 5 या 5 से ज्यादा वृक्ष लगाने का वो संकल्प लेगा। वो वृक्ष फलदार होंगे जो आने वाले 1-2 वर्ष बाद में उस किसान की आय का जरिया भी बनेंगे, जिससे कि वो किसान उस पेड़ की सुरक्षा कर सकेगा। ये पौधे उनको वन विभाग के माध्यम से या अन्य माध्यम से न्यूनतम मूल्य पर उपलब्ध कराए जाएंगे। जैसे कि जामुन का 3-4 फुट ऊंचाई का पौधा जो लगभग 1.5-2 साल का है, उसको 15 रुपए की कॉस्ट पर उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ ही वन विभाग द्वारा विभिन्न प्रजातियों के पौधे तैयार किए गए हैं, जिनको कि तालाबों की पाल पर चारागाह में और सड़क के किनारों पर लगाने का एक अभियान चलाया जाएगा, जिससे कि सुल्तानपुर क्षेत्र को हरा भरा किया जा सके। जिस तरह इस कोरोना की द्वितीय लहर में ऑक्सीजन की कमी देखी गई, तो ऑक्सीजन की वृद्धि वातावरण में हो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो सके, उनका स्वास्थ्य अच्छा रह सके, इसके लिए यह अभियान बहुत कारगर होगा। आज विश्व पर्यावरण दिवस पर नगर परिषद भैंसोदा के ग्राम भैंसोदा मंडी और ग्राम मालीपुरा में पौधारोपण किया, साथ में मनीष सुमन विशाल जोशी एवं अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। इसी के साथ सभी क्षेत्रवासियों को पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं व अधिक से अधिक वृक्ष लगाने की सभी से अपील की गई। शामगढ़, शुक्रवार दोपहर हुई बारिश से वार्ड क्रमांक 15 आलमगढ़ में परासली रोड संतोषी माता चौराहे पर निकासी नहीं होने से जलभराव हो गया। सूचना पर नगर परिषद उपमंत्री शिविका श्रीवास्तव ने जाकर मौका निरीक्षण किया और मानसून से पहले समस्या समाधान का आश्वासन दिया। निरीक्षण के उपरांत पार्षद प्रतिनिधि फारूक मैं सहित नगर परिषद कर्मचारी उपस्थित रहे। ये थी आज की खबरें। ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ खबर 24 न्यूज चैनल में। धन्यवाद। फ्री फ्री प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना फिर से शुरू हो गई है। जिस परिवार के गैस कनेक्शन नहीं है वह तुरंत संपर्क करें। फ्री गैस कनेक्शन लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज राशन कार्ड, परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, महिला के 3 फोटो, महिला के बैंक खाते की पासबुक। ऋषभ गैस सर्विस भवानी मंडी, मोबाइल नंबर है 7568060310, 8058766999, 8003950705। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना फिर से शुरू हो गई है। जिन परिवार के पास अभी तक गैस कनेक्शन नहीं है वह तुरंत ऋषभ गैस सर्विस पर संपर्क करें। गैस कनेक्शन लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज है राशन कार्ड की फोटोकॉपी, राशन कार्ड में जितने भी सदस्य थे उन सभी के आधार कार्ड की फोटोकॉपी, महिला की बैंक खाते की पासबुक की फोटोकॉपी, महिला के पासपोर्ट साइज के 3 फोटो, मोबाइल नंबर, सारे आवश्यक दस्तावेज लेकर ऋषभ गैस एजेंसी पर संपर्क करें।
चल रही कबीर बैठा रोई। दोनों पुड़ के बीच में तो साजान निकले जिको छोड़ के माता दाऊ एक लीर बन जारा रे बन जारा रे रे आतुर दे चरा है साहिब ने महल बनाई बन जा रहा रे बन जा रहा रे हाँ गहरी गहरी माहे मीन बजाई बन जा रहा हूँ छोड़ के मत जाओ एक नीर बन जा रहा रे बन जा रहा रे है मामला।